हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ तोसाली क्राफ्ट मेला, जो भुवनेश्वर में लगा हुआ है, हर साल लगता है। बट कोविड की वजह से कुछ टाइम रेस्ट्रिक्शन था, तो इस बार बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा स्टॉल भी आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी थोड़ा दिखा देती हूँ, मतलब क्राफ्ट मेला में क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट मतलब आता है, आर्टिसन वगैरह सब आते हैं उनके जो भी क्राफ्ट लेके। तो बहुत कुछ यहाँ पे देखने के लिए है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मतलब जो स्टॉल है वो लगा हुआ है। तो मैंने सुना था कि यहाँ पे मिट्टी का भी बहुत अच्छा मतलब कुछ क्राफ्ट आया हुआ है, तो होप कि आज भी वो होगा, क्योंकि ये 28 मार्च से 10 अप्रैल तक था। तो चलिए, आज तो लास्ट डे है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, लेट्स सी। चलिए, एंट्रेंस है, तो चलिए तोसाली क्राफ्ट मेला आपको घुमा के लाती हूँ, और मैं भी खुद देखती हूँ क्या क्या इस पे है। तो चलिए साथ में देख के आते हैं। तोसाली नेशनल क्राफ्ट एग्जीबिशन मेरे लिए बहुत ही एक मेमोरेबल इवेंट है, क्योंकि मैं जब अपनी कैरियर स्टार्ट कर रही थी तभी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टॉल अलर्ट किया गया था, जहाँ पे मैं अपने टेक्सटाइल डिज़ाइन की कुछ फैब्रिक डिज़ाइंस में जहाँ पर डिस्प्ले की हुई थी। तो ये एग्जीबिशन का मेन गेट है, यहाँ पे एंट्रेंस में सैनिटाइज करने के लिए सब अरेंजमेंट रखे हैं, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सैनिटाइज़र हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो एम्बुलेंस हो गया, और यहाँ पे फायर के गाड़ी वगैरह भी यहाँ पे सब रखे गए हैं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि इतना बड़ा एग्जीबिशन है तो ये सब तो मतलब होगा ही। तो उसके बाद यहाँ पे जो एग्जीबिशन की ऑफिस हो गया, ये राइट साइड में यहाँ पे है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टॉल लगा हुआ ही ये जो एरिया में लगता है, जनरली बहुत बड़ा फील्ड होता है, तो ये फील्ड में सारे स्टॉल वगैरह पहले से ही अरेंज करते हैं, सारा स्टॉल नंबर वगैरह होता है। और यहाँ पर एक साइड में क्या क्या है और दूसरे साइड में क्या क्या है, ये पहले से ही एक मतलब लिखे रहते हैं, कौन से साइड में टेक्सटाइल होगा और कौन से साइड में हैंडीक्राफ्ट वगैरह होगा, कहाँ पे फूड स्टॉल होगा, ये सारा कुछ जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ पे लिखा जाता है, ताकि लोगों को आसानी होगी एग्जीबिशन घूमने के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं एक एक स्टॉल देखने के लिए। तो हम यहाँ पे पहले जो हैंडीक्राफ्ट उड़ीसा के स्टॉल पहले घूम लेते हैं, जो यहाँ पे पटचित्र का जो स्टॉल है वहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ। तो यहाँ पे पटचित्र का स्टॉल लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, तो ये रहा पटचित्र का स्टॉल। तो यहाँ पे ये बहुत कुछ आर्ट और मतलब क्राफ्ट भी दोनों यहाँ पे है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से ही शुरू करते हैं। Thank you.
ये देखिए हैंड पेंटेड किया हुआ एक टी पॉट है, कितने अच्छे से इसको पेंट किए हैं और ये ड्राइवर लाइट में पेंट किए हैं, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और यहाँ पे जितने भी है ये सारा कुछ हैंडमेड है, कोई प्रिंटेड नहीं है। तो ये आप एक बार देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है ये जो हैंड प्रिंटेड वाला जो क्राफ्ट होता है। और यहाँ पे देखिए ये भी छोटे छोटे बॉटल में कितने अच्छे से हैंड प्रिंटेड किए हुए हैं। और ये गवर्नमेंट की स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी दिए हुए हैं, 20% प्लस 10% डिस्काउंट दिए हुए हैं। ये गवर्नमेंट का स्टॉल है, इसमें सारा हैंडीक्राफ्ट भी है, हैंडलूम भी है, तो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह भी रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए ज्वेलरी भी और कुछ है, सिल्वर का ज्वेलरी है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब ये जो रखे हैं ये एक बहुत ट्रेडिशनल क्राफ्ट रखे हैं, ये बहुत पुराने दिन से चला आता है, लेकिन अभी इसे और थोड़ा कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन से बनाए हुए हैं। ये अभी बहुत अच्छा लग रहा है और इसे लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं घर पर यूज़ करने के लिए, तो ये भी मुझे एक अच्छा लगा और इसे बहुत जन मतलब ले भी रहे थे एग्जीबिशन से। और चलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जीबिशन की थीम पैविलियन स्टॉल घुमा के आपको लाती हूँ। ये एग्जीबिशन में एक सेंटर में होता है जिसे थीम पैविलियन बोला जाता है। तो थीम पैविलियन में जैसे कि कुछ क्राफ्ट है, ये बहुत ही पुराने मतलब ये क्राफ्ट है, लेकिन आज भी इसे बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन से बनाया गया है, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ और अभी के जो डिज़ाइन है दोनों को मिलाते हुए कुछ मतलब उसको अलग तरीके से लुक दिए हैं। ये बहुत अच्छा लगा, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं सब चीज़ में, मतलब किचन में हो गया, हमारे जो अदर कुछ मतलब डाइनिंग में हो गया या और कहीं पे हो गया, तो यहाँ पे ये देखने को मिला, ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। और यहाँ पे स्टेज में लाइव डांस भी हो रहा है, जो ट्रेडिशनल डांस वगैरह कुछ होता है ये सब यहाँ पे हो रहा है। और इसके ऑपोजिट में एक स्टैंडर्ड किए हुए हैं जहाँ पे हम एंट्रेंस में आते मतलब आ रहे थे तभी लेफ्ट साइड में वो स्टैंडर्ड था। और यहाँ पे भी ये कुछ डांस वगैरह या आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो ये काफ़ी बहुत मतलब डिफरेंट है ये जो एग्जीबिशन है। ये जो स्टॉल है, ये स्टॉल मेरे होम टाउन के साइट में मतलब है, ये गवर्नमेंट स्टॉल है, यहाँ पे सिर्फ आपको टसर फैब्रिक ही मिलेगा और ये बहुत ही प्योर एंड बहुत ऑथेंटिक मतलब चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो मैं यहाँ से हमेशा जब भी एग्जीबिशन आती हूँ, मतलब जो सेल भी लगता है, तो मैं यहाँ से अपने लिए कुछ फैब्रिक लेती हूँ और आज भी मैंने कुछ साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल अपने लिए ली हूँ। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए खिलौना भी मतलब मिल रहा है, ये भैया एक बैठे हैं बच्चों का खिलौना लेके, डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे छोटे खिलौना लेके बैठे हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। Bye.
यहाँ पे ये एक अलग तरह का एक स्टेज जैसा बनाए हुए हैं, जैसे कि फोटोग्राफ कुछ लेने के लिए ये एक अलग पार्ट किए हुए हैं। ये मतलब जो एग्जीबिशन का मतलब सेंटर में है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे आके लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, तो हम दोनों भी गए यहाँ पे कुछ सेल्फी या फ़ोटो लेने के लिए। ये एक बहुत अच्छा मेमोरेबल चीज़ रहेगा सबके लिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको और एक स्टॉल दिखाती हूँ। ये है वुडन की, मतलब यहाँ पे जो भी कुछ स्टॉल में है ये सारा कुछ वुडन का ही है, जैसे कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं, टूथब्रश से लेके टॉन क्लीनर हो गया, मोबाइल स्टैंड हो गया, पॉम्ब हो गया, ये सारा कुछ यहाँ पे वुड में ही बना हुआ है। तो ये इको फ्रेंडली है, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया। तो ये मतलब रेट भी बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर, तो ये लोग टूथब्रश यहाँ पे 60 रुपीज़ में इन लोगों का सेल कर रहे थे। ये एक टूथब्रश है, इसको स्टैंड पे भी लगाए हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोग एग्जीबिशन पूरा घूमते घूमते यहाँ पे आके पहुँच गए हैं फूड स्टॉल में। वैसे तो हम लोग अभी मतलब आउटसाइड से कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब स्वीट्स वगैरह और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। ड्रिंक्स भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि गर्मी अभी चल रहा है, लस्सी हो गया, जूस हो गया, और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे ये सब भी देखने को मिला, जो मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है मतलब लोगों की, तो मतलब जो कि उड़ीसा का ट्रेडिशनल फूड हो गया और भी बहुत कुछ है, तो वो सब लेने के लिए यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब रस है यहाँ पे।
और ये सारे फूड स्टॉल घूमने के बाद हम लोग सिर्फ एक कुल्फ़ी हम लोग दोनों मतलब कुल्फ़ी ही खाए। तो बस ये सब के बाद फिर से आगे जो मतलब और जो स्टॉल रह गया था उसे घूमने के लिए, तो चलिए यहाँ पे कपड़े का स्टॉल भी है, बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन के, बहुत ही फैब्रिक मतलब जो फैब्रिक है कॉटन के भी हैं, मतलब बहुत फैशनेबल फैब्रिक भी है, तो वो सब देखने के लिए हम लोग को ये साइड में आ गए। ये कितने हैं? और ये साइड में अभी आ गए, ये होम फर्नीचर हो गया यहाँ पे, ये फर्नीचर जोन में ये सब लगा हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर है, वुडन का भी है और केन का भी है और भी बहुत कुछ है यहाँ पे जो बहुत अभी मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, ले रहे हैं इसे। तो बस यहाँ पे हम लोग एक मतलब देख के जा रहे हैं क्या क्या अभी ये साइड में है। और सबसे अच्छा यहाँ पे एग्जीबिशन में लग रहा है, जो पूरा पेड़ में लाइट वगैरह डेकोरेट किए हुए हैं वो बहुत अच्छा लगता है। जो पीपली में जो चांदुआ बोलते हैं वो चांदुआ भी यहाँ पे मतलब कुछ पेड़ में सजाए हुए हैं उसे लाइटिंग करके। तो आगे देखिए कितने अच्छा ब्लू ग्रीन एंड रेड कलर में पेड़ों को सजाए हैं लाइटिंग में, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये एग्जीबिशन को बहुत अच्छा और डेकोरेटिव कर रहा है। ये आगे पीपली के जो चांदुआ होता है, ये पीपली के चांदुआ सेक्शन है। तो ये ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा अच्छा क्राफ्ट यहाँ पे है एग्जीबिशन में। तो यहाँ पे झूला वगैरह भी है और ये सारा कुछ मतलब ये कपड़े में है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब बहुत लेट हो गया है। तो आज तोसली क्राफ्ट मेला का लास्ट डे था, तो बस बहुत सारा यहाँ पे देखने के लिए है, बट एक ही दिन में हो नहीं पाया। तो जितना हो पाया मैंने आपको दिखाया, बहुत अच्छा अच्छा क्राफ्ट का, उड़ीसा क्राफ्ट, बहुत अदर स्टेट का भी सब मतलब आया हुआ था। बहुत अच्छा लगता है एक ही जगह पे सब कुछ देखने के लिए। तो होप कि आप लोग भी एंजॉय किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।